नमस्कार बंधुअल आपनलोके देखा पासी यूट्यूब चेनेल बैंक साथी मैं अपना बंधु सुबल विश्वास आज आमी आलोचना करिम एटी मेन पॉइंट मशरूमर ग्रोथ किय नहय आमी की उपाय अवलम्बन करी मशरूमर ग्रोथ आमी ठीक करिब पारु तार बिषये आज आलोचना करिम जदि वेस्टार्न मशरूमर बृद्धि बन्ध हो जाए तार केबाटाओ कारण हब पारे तार केटामान कारण आमी इयात आलोचना करिछो। एक नम्बर पॉइंट हल आर्द्रतार अभाव माने ह्यूमिडिटर अभाव वेस्टार्न मशरूमर बृद्धि हबले धारावाहिक भावे ह्यूमिडिटर प्रयोजन है एटी माने खेरत पानी शुकाय गैछे तेंते मशरूम बृद्धित बाधा सृष्टि है तार कारणे खेरत 20% आर्द्रता थाकिब लागे पेकिंग करार समयत ह्यूमिडिटी बजाय राखिबले वाटार स्प्रे करिब लागे आरो फगिंग मेशिन व्यवहार करिब लागे अतिरिक्त पानी दियार परा बिरत थाकिब लागे अन्यथा आन आन बेमार हब पारे। वायु चलाचलर अभाव सठिक वायु चलाचलर अभावतो घरर भितरत कार्बन डाइऑक्साइड जमा हब पारे जार फलत मशरूमर बृद्धि नहय तार कारणे मशरूमर फुलि थका ठाइबुरत वायु चलाचल बृद्धि करिबलै एग्जस्ट फेन लगाब लागे आरो भेन्टिलेशनर व्यवस्था करि दिब लागे रातिपुवा गधूलि दुआर खिड़कीबूर खुली थब लगे उष्णता उष्णतार बारे मशरूमर बृद्धि नहय तार बारे घर खाजुते लक्ष्य राखिब लगे घर तो ठंडा ठाई आरो ठंडा करि राखिबले विभिन्न व्यवस्था करिब लगे ह्यूमिडिफायर बा बेसी ठंडा हले हीटार लगाब लगे। प्रदूषण छाई बा बैक्टेरियार प्रदूषणर फलत बृद्धित बाधा आइब पारे तार बारे उपयुक्त स्पन व्यवहार करिब लगे ग्रीन मोल लगा बेटबूर आतराई दिब लगे चारिफालर परिवेश बीजाणुमुक्त करि राखिब लगे। नेक्स्ट पॉइंट हल पोहर उपयुक्त पोहरर अभावत ग्रोथ टू लेहेमिया हब पारे वेस्टार्न मशरूमे परोक्ष पोहर माने इनडायरेक्ट सानलाइट पसंद करे जदि सुविधा ना थाके तेतियाले आमी एलईडी लाइटो लगाब पारि आरो बेसी दिन हुआ सिलिंडारर ग्रोथ सिलिंडारत मशरूमर ग्रोथ लेहेमिया हय गतिके नतुन सिलिंडार लगाब लागे। मशरूमर जातर उपरतो भिन्नता हब पारे विभिन्न मशरूमर जातर बृद्धिर भार विभिन्न हब पारे गतिके भाल जातर मशरूमर बीज व्यवहार करिब लागे बेलेक बेलेक जातर खेती करि साब लागे कोन बीज जातर मशरूमर बृद्धि भाल हय। धन्यवाद बंधुसकल आपनालोके इमान परे खूब धैर्य सहकारे भिडियोटो चाले आपनालोकर मनत जदि कोनो प्रश्न उदय होइछे তেতিয়াহলে নিঃসন্দেহে আমাক কমেন্ট কৰিব আমি আপোনাৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।